बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। पिछली वीडियो में हमने वेक्टर एनालिसिस के 8 क्वेश्चन तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर वेक्टर है आर वेक्टर इज इक्वल टू cos 2a into a वेक्टर प्लस sin 2b into b वेक्टर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट वेक्टर्स। यहां पर a और b जो हैं वो कांस्टेंट वेक्टर्स के तौर पर हैं। तो साबित करें कि d2r / dt² + 4r0 इक्वल आता है और r क्रॉस dr / dt इसके इक्वल आता है। तो फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखें, ये हमने साबित करना है। तो आर हमारे पास वेक्टर, ये उसने दिया हुआ है ये वाला, तो हमें इसको दो दफा डिफरेंशियल लेना है। तो फर्स्ट डिफरेंशियल लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो कॉस का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन 2t। ये आपका आएगा जी, कॉस का डिफरेंशियल आ गया माइनस साइन 2t और 2 माइनस 2a साइन 2t। इसका डिफरेंशियल आएगा आपके पास माइनस 2 साइन 2t इंटू ए, और ये वाला ए वेक्टर जो है ये हमने ये लगा लिया। और इसका डिफरेंशियल आ जाएगा कॉस का साइन का कॉस और 2t का 2 कॉस 2t, 2 कॉस 2t, 2 कॉस 2t इंटू बी वेक्टर एज इट इज आ गया। हमें इसको दो दफा डिफरेंशियल करना है। दूसरा डिफरेंशियल लिया इसका डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, इसको फिर विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशियल कर लें। ये आपको मिल जाएगा माइनस 4 कॉस ऑफ 2t इंटू ए, साइन का डिफरेंशियल कॉस कॉस 2t इंटू 2, 2 और 2 4 आ गया। ये जैसे डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल करना आपको आता होगा। कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, और ये सारा आपके बन जाएगा 2 और 2 4 माइनस 4 साइन 2t इंटू वैक्टर बी एज इट इज आ गया। डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर हमने निकाल लिया, हमें ये चीज लेके आनी है प्लस 4r। तो देखें डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर, तो इसमें से माइनस 4 दोनों में मौजूद है, कॉमन आ सकता है। तो आपको अंदर मिल जाएगा कॉस ऑफ 2t इंटू ए प्लस साइन ऑफ 2t इंटू बी आ गया आपके पास। तो देखें ये सारा जो है ये, तो फिर यही आ गया कॉस ऑफ 2t इंटू ए प्लस साइन ऑफ 2t इंटू बी। ये सारा जो है ये वाला सारा r के इक्वल है। तो डी टू आर by dt square is equal to minus 4 into r। इस r को उठा के उधर ले जाएं तो आपका प्रूफ हो जाएगा डी टू आर बाई डी टी स्क्र, इसको उठा के लेफ्ट पे ले गए तो प्लस 4 r is equal to 0 आ गया। यही आपने इस क्वेश्चन में साबित करना था। इसके बाद ये है इसका सेकंड पार्ट। अब हमने r और d r by dt का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, साबित करना वो स्टिक वाला है। तो आर हमारे पास यही मौजूद है cos of 2a और sin 2t, dr by dt भी हमने पहले निकाला हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट करना है, r क्रॉस dr by dt मालूम करना है। वैल्यूज लगा दें, r की जगह पर ये लगा दिया, इसमें i j k वगैरह नहीं है कि हम इसका कोई डिटरमिनेंट वगैरह बनाए। तो क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से भी की जा सकती है, r r की वैल्यूज लगा दी cos of 2t into a plus sin of 2t into b क्रॉस dr by dt ये लगा दी। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसको क्रॉस करेंगे इन दोनों के साथ, तो ये आपको मिलेगा माइनस 2, वो हमने ये लगा लिया cos 2t sin 2t, cos 2t sin 2t और a क्रॉस a, तो a क्रॉस a ये आ गया। अब इसको करना है इसके साथ, ये आपका बनेगा cos 2t cos 2t cos square 2t, वो ये आ गया, ये वाला 2 ये आ गया, a क्रॉस ये वाला b ये आ गया, a क्रॉस b। आप a क्रॉस b को a क्रॉस b लिखेंगे, b क्रॉस a नहीं लिख सकते, लिहाजा तरतीब को आपने मैनेज करना है। अब इसको करेंगे इन दोनों के साथ, ये हमारा बनता है sin 2t sin 2t sin square 2t, ये आ गया sin square 2t, ये वाला 2 ये आ गया, और ये वाला माइनस a जो है वो हमने यहीं पर रहने दिया, तो b क्रॉस माइनस a ये आ गया, b क्रॉस माइनस a, ये वाला माइनस हमने यहाँ पर लगा लिया इस जगह पर लगाने की बजाय, क्योंकि जब हम इसकी तरतीब बदलेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा। अब इसको इसके साथ ये हो गया 2 एज इट इज sin 2t cos 2t, ये आ गया sin 2t cos 2t और b क्रॉस b वेक्टर वही आ गया आपके पास। अब देखिए इसमें ये आपका बन जाएगा a क्रॉस a, एक जैसे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो जीरो भी इक्वल हो जाता है, ये सारा जीरो होगा तो सबको जीरो काट देगा। बाकी आपको मिला 2 cos square 2t इंटू ए क्रॉस बी और प्लस 2 साइन स्केयर 2t, इसकी तरतीब बदलें, ए को पहले लिख लें बी को बाद में, तो इलामत चेंज हो जाती है, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ए क्रॉस बी आ गया, और ये वाला बी क्रॉस बी है सेम है दोनों, तो ये भी जीरो के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 इंटू ए क्रॉस बी, दोनों में मौजूद है, कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन लिया तो अंदर आपको मिल जाएगा cos square 2t plus sin square 2t, cos square 2t
प्लस साइन स्क्वायर 2d, ये तो 1 के इक्वल होता है, तो बाकी रह गया आपके पास 2 into a cross b, और यही देखें आपने सबल करना था इसको, ये चीज आ गई, हमने r और dr by dt का क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो ये हमारे पास मोटली रिजल्ट आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, r वेक्टर है a वेक्टर into e power 3t plus b वेक्टर into e power minus 3t, a और b जो है यहाँ पर कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, साबित करना है कि d2r by dt square minus 9r is equal to 0 होता है, तो ठीक है इसको दो दफा डिफरेंशियल करें, r को दो दफा डिफरेंशिएट कर लेंगे, r हमारा ये है a into e power 3t and so on, तो फर्स्ट डिफरेंशियल किया इसको विद रिस्पेक्ट टू t, तो एक्सपोनेंशियल a तो कांस्टेंट वेक्टर है वो एज इट इज आ गया, और e power 3t का जो डिफरेंशियल है वो डिफरेंशियल जो होता है इसका एक्सपोनेंशियल का, वो एक्सपोनेंशियल खुद ही होता है, इसका डिफरेंशियल यही होगा, और साथ पावर का डिफरेंशियल जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, यानी इसका डिफरेंशियल बनता है 3e power 3t, वो ये आ गया 3e power 3t। इसी तरह से ये वाला e power minus 3t का डिफरेंशियल e power minus 3t होगा, और पावर का डिफरेंशियल बनता है -3, वो साथ उसके साथ ये हमने लगा दिया, और b एज इट इज आ गया। डिफरेंशिएशन आपको पता है कैसे करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशियल ये आ गया, सेकंड भी निकाल लें, अब फिर ये 3a एज इट इज आएगा, यहाँ पर 3a एज इट इज आएगा, e power 3t का डिफरेंशियल 3e power 3t बनेगा, मल्टीप्लाई होगा तो 9a e power 3t, इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस, और 9b और e power minus 3t का डिफरेंशियल e power minus 3t, minus 3t का डिफरेंशियल -3 बनता है, -3 into -3 plus 9 into b, डिफरेंशिएशन कर लिया सिंपल सा काम, 9 कॉमन नजर आ रहा है हमें, 9 कॉमन ले लिया तो a into e power 3t plus b into e power minus 3t बचा। अब देखें ये तो सारा यही चीज आ गई, ये वाला सारा तो r के इक्वल है, इसी जगह पर r पुट कर सकते हैं, ये बन गया हमारा d2r by dt square is equal to 9r, और इसको उठा के उधर ले जाएं, d2r by dt square plus minus 9r is equal to 0 आ गया, और यही आपने लेकर आना था, यही आपने सब करना था। क्वेश्चन नंबर 11, r वेक्टर है e power 2t into a प्लस ई पावर 3t इंटू बी, साबित करना है कि डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस 5dr बाई डी टी प्लस 6r 0 के इक्वल आता है, तो इसका डिफरेंशियल निकाले, फर्स्ट डिफरेंशियल भी हमें निकालना पड़ेगा इसमें लगाने के लिए, सेकंड डिफरेंशियल भी निकालना पड़ेगा, इसको फर्स्ट डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी आर बाई डी टी निकाला, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर लिया, तो ए एक कॉन्स्टेंट वैक्टर है एज इट इज आ गया, ई पावर 2t का डिफरेंशियल ई पावर 2t ही होगा, और साथ पावर का जो डेरीवेटिव है 2 वो मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया, ये भी इसी तरह से e पावर 3t का डिफरेंशियल और 3t का डिफरेंशियल 3 मल्टीप्लाई हो गया साथ, b आ गया, फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल लिया इसमें लगाने के लिए, सेकंड भी निकाल लें, अब इसको फिर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो e पावर 2t का डिफरेंशियल e पावर 2t ये और 2t का डिफरेंशियल 2 बनता है, वो 2 और 2 ये 4 हो गए, ये सिंपल डिफरेंशिएशन है, पिछली क्लासेस में आपने सीखी हुई, आप कर सकते हैं इसको, e पावर 3t का डिफरेंशियल e पावर 3t और साथ 3t का डिफरेंशियल पावर का डिफरेंशियल 3 बनता है, वो 3 और 3 9 बन गया, बी आ गया, ये दोनों वैल्यू था इसमें लगा दें, साबित कर देंगे ये 0 के इक्वल आता है, हमें मालूम करना है d2r by dt square minus 5dr by dt plus 6r is equal to 0, वैल्यू लगा दें, d2r by dt square की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है वो ये लगा दी है, फिर माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया dr by dt को, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 5 के साथ, माइनस 10 हो गया ये आ गया, ये माइनस 15 होके ये आ गया, प्लस 6r, r को 6 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर लगा दें, ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया, ये सारे देखें सब में एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है, सारे सारे कट जाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू 0 आ गया, और यही हमने साबित करना था कि d2r by dt square minus 5dr by dt plus 6r 0 के इक्वल आता है। क्वेश्चन नंबर 12, r वेक्टर है a cos ti plus a sin tj plus b tk, साबित करें कि dr by dt का मार्ड का स्क्वायर इसके इक्वल आता है, तो r वेक्टर है आपके पास ये, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का डिफरेंशियल a और b यहां पर जो है, ये जो a और b है ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो cos का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस साइन t, या पास आ गया माइनस साइन t, a कांस्टेंट वैल्यू है ऐसे ही आ गई, और साथ उसका कंपोनेंट i कंपोनेंट j कंपोनेंट k कंपोनेंट एज इट इज आ गई, इसका साइन का डिफरेंशियल cos वो ये आ गया, और विद रिस्पेक्ट टू टी का रहे हैं, टी का विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा, तो बाकी आपके पास बी के रह गया, ये सेकंड डिफरेंशियल भी निकाल लिया, फर्स्ट में हमें इसकी जरूरत तो नहीं, लेकिन अगले दो पार्ट्स में हमें इसकी जरूरत है, इसलिए हमने इसको निकाल के फिलहाल रख लिया, इसको फिर डिफरेंशियल किया तो कास का आ गया साइन का आ गया कास टी, कास का आ गया माइनस साइन टी,
और यहाँ पर टी अब कोई नहीं है, तो ये फिर सारा कांस्टेंट है, तो ये सारे का सारा जीरो के आ गया। के जो है वो उसका वेक्टर का कंपोनेंट है साथ आई जे के। फर्स्ट पार्ट में हमें ये करना है कि डी आर बाई डी टी, ये जो हमने निकालना है डी आर बाई डी टी, उसका मॉड लेना है। तो मॉड ले लें, इसका मॉड कैसे लेते हैं, इसका इसके आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट को स्क्वेयर करके तो प्लस करेंगे। आई कंपोनेंट है ये, इसको स्क्वेयर किया, ए स्क्वेयर साइंस के टी, ए स्क्वेयर साइंस के टी ये आ गया, इसको स्क्वेयर कर लिया, ए स्क्वेयर कॉस के टी ये आ गया, और इसको के कंपोनेंट के साथ जो बन गया उसको स्क्वेयर किया वो ये आ गया, और इनका अंडर रूट ले लें। तो इसका जो मालूम करना होता है हमने मॉड भी इसी तरह से मालूम करते हैं, आई जे के कंपोनेंट्स के स्क्वेयर करके उनको जमा करते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं। अब देखें इसमें ए स्क्वेयर दोनों में मौजूद है, कॉमन आ गया, कॉस के टी प्लस साइंस के टी आपके पास बचा और प्लस बी स्क्वेयर ये आ गया। ये सारा जो है ये तो वन के इक्वल होता है, बाकी बचा आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बच गया। और हमें हमने डी आर बाई डी टी का मॉड निकाल लिया, हमें इसका स्क्वेयर भी लेना है, दोनों तरफ स्क्वेयर ले रहे हैं आप डी टी स्क्वेयर, और उधर उसको स्क्वेयर करेंगे तो वंडर रूट से बाहर आ जाएगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और यही आपने इसको साबित करना था। इसके बाद करेंगे इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 12 का अब बी पार्ट करेंगे, वो ए पार्ट था अब बी पार्ट करना है। इसमें हमने डी आर बाई डी टी और डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मॉड मालूम करना है और स्क्वेयर करके साबित करना है कोई इसके इक्वल आता है। तो डी आर बाई डी टी हम ये निकाल चुके हैं पहले, डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर भी पिछले क्वेश्चन में हम ये निकाल चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करना है इनको, क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, आई जे के कंपोनेंट्स मौजूद हैं तो आई जे के डिटर्मिनेंट बना लें इसका, आई जे के और डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर, डी आर बाई डी टी के कंपोनेंट्स लगाएं पहले, आई कंपोनेंट है माइनस ए साइन टी माइनस ए साइन टी, जे कंपोनेंट है ए कॉस टी ये आ गया ए कॉस टी, के कंपोनेंट है बी वो ये लगा दिए, फिर लगाने हैं डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर के माइनस ए कॉस टी, आई कंपोनेंट ये आ गया, जे कंपोनेंट माइनस ए साइन टी ये आ गया, और के साथ जीरो है तो ये आ गया। डिटर्मिनेंट खोल लें, डिटर्मिनेंट खोला हमने तो प्लस आई करेंगे, प्लस आई माइनस जे प्लस के प्लस आई, तो जब आई को खोलेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो हम छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं वो जीरो आ गया, फिर माइनस लगाते हैं एक और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी साइन टी, वो आपके पास ये चीज बन जाएगी। उसके बाद माइनस जे, इसके साथ माइनस लगाया माइनस जे, अब जे कंपोनेंट से खोल लें तो जे वाला कॉलम और उसकी रो छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जीरो आ गया, फिर माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो प्लस ए बी कॉस टी आ गया, वो ये हमने लगा दिया। उसके बाद के कंपोनेंट को खोलें तो के वाली रो कॉलम छोड़ दें, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर साइंस के टी, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस अपने पास से भी लगाना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइंस कॉस के टी, वो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास बना ए बी साइन टी आई, ए बी साइन टी आई, ये बना ए बी कॉस टी जे, ये आ गया, ये ए स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो वन के इक्वल होता है, तो सिर्फ ए स्क्वायर बच गया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमें अब क्या करना है, ये हमने निकाल लिया, अब इसका मॉड निकालना है, मॉड निकालेंगे तो इसके आई कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, इसका जे कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, के कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, इनको प्लस करेंगे, इसको स्क्वायर किया ये आ गया, जे कंपोनेंट का स्क्वायर ये आ गया, के कंपोनेंट का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर ए फोर वो ये आ गया, और उसका अंडर रूट कर लिया। तो अब देखें इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है दोनों में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहली दोनों रकमों में मौजूद है, अंदर आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस ए फोर बचा, ये वाला जो है ये तो वन के इक्वल होता है, तो बाकी रह गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए फोर बचा आपके पास, ए स्क्वायर फिर कॉमन आ गया इनमें से, तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमने ये निकाल लिया, इसको स्क्वायर करें दोनों तरफ, डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया दोनों तरफ क्योंकि हमें जो मालूम करना है उसमें स्क्वायर मौजूद है, स्क्वायर करेंगे तो ये अंदर से बाहर आ जाएगी, ये आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हमने इसको साबित करना था कि ये चीज आती है। इसके बाद करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद आ गया इसी क्वेश्चन 12 के फर्स्ट पार्ट का सी पार्ट, अब सॉल्व करना है, हमने ए भी हम कर चुके, इसका बी भी कर चुके, ये इसका सी पार्ट है।
सी पार्ट में कह रहा है डी आर बाई डी टी, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, डी थ्री आर बाई डी टी क्यूब जो है ये मालूम करना है हमने। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने पढ़ा हुआ है सेकंड ईयर में, वो हमने दर्शन करना है। अब ये इस वाला जो होता है इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी डॉट डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर क्रॉस डी थ्री आर बाई डी टी क्यूब, इसको लिखा जा सकता है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और इसको हमने पढ़ा हुआ है सेकंड ईयर में, तो इसको इसका ये फार्मूला बनता है। तो इसमें लगा दें जिसकी वैल्यूज डिटर्मिनेंट बना लें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक दो और तीन वेक्टर्स हैं, इनकी वैल्यू लगा दें। डी आर बाई डी टी ये हमने निकाला हुआ है, माइनस ए साइन टी, ए कॉस टी, इसमें हमें आई जे के यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं, हमारे तीनों वैक्टर्स पूरे हैं, ए कॉस टी और बी, इसका ये बी आ गया, ये आ गया। अब लगाना डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस ए कॉस टी, माइनस ए कॉस टी और माइनस ए साइन टी, जे कंपोनेंट ये आ गया इसका डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर का, और के कंपोनेंट जीरो है, जीरो लगा दिया। फिर इसका ये तीसरा डिफरेंशियल हमने ये किया हुआ है तो उसकी वैल्यूज लगा दें, आई कंपोनेंट है इसका ए साइन टी, जे कंपोनेंट है माइनस ए कॉस टी और के कंपोनेंट है इसका जीरो। इसको खोल लें जिस तरह से आपका दिल करता है इसको खोल लें। तो इसको चूंकि इसमें जीरो ज्यादा नजर आ रहे हैं हमें इस कॉलम में, तो इसी के रिस्पेक्ट इसको खोल लें, और इसी के रिस्पेक्ट इसको खोलेंगे तो बाहर आएगा हमारे पास अब ये तीसरी रो और तीसरा कॉलम है, तो बाहर लगाएंगे माइनस वन पावर तीसरी रो, पहली रो और तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम, तो माइनस वन पावर फोर बनता है, वन ही आएगा यानी पॉजिटिव आएगा, तो बाहर हम पॉजिटिव बी लिखेंगे इनटू, तो इसके रिस्पेक्ट खोलने लगे ये सारे छोड़ देंगे, तो बाकी इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस अपने पास से भी लगाना होता है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी आ गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी आ गया। तो इसमें आपके पास ए स्क्वायर अंदर से कॉमन आ गया, बाकी बचा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी बच गया, तो ये तो सारा वन के इक्वल होता है, तो बाकी आपके पास बच गया ए स्क्वायर टू बी, यही हमने मालूम करना, ये हमने मालूम करना था। अब इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, अभी हमने फर्स्ट पार्ट के तीन पार्ट किए हैं, अब सेकंड पार्ट इसका करें। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, आर वेक्टर है सी वन ई पावर ओमेगा टी प्लस सी टू ई पावर माइनस ओमेगा टी, सी वन और सी टू यहाँ पर कांस्टेंट वेक्टर्स के तौर पर हैं, साबित करेंगे डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू जीरो, आता है ये हमने साबित करना है। अब देखें हमें इसको दो दफा डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू टी, डी आर बाई डी टी, सी वन कांस्टेंट वेक्टर है एज इट इज आ गया, ई पावर ओमेगा टी का डिफरेंशियल ई पावर ओमेगा टी ही होगा, और साथ पावर का डिफरेंशियल आता है, पावर का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ओमेगा, ओमेगा ई पावर ओमेगा टी, ओमेगा ई पावर ओमेगा टी आ गया। इसी तरह से इसको भी किया, e पावर माइनस ओमेगा टी का डिफरेंशियल e पावर माइनस ओमेगा टी इसी तरह से आया, और पावर का डिफरेंशियल बनता है माइनस ओमेगा, वो हमने माइनस ओमेगा ये लगा लिया और कांस्टेंट एज इट इज आ गया। इसको सेकंड डिफरेंशियल किया तो c1 कांस्टेंट वेक्टर था ऐसे ही आया, ओमेगा भी कांस्टेंट था ऐसे ही आया, e पावर ओमेगा टी का फिर ये डिफरेंशियल आ गया ओमेगा e पावर ओमेगा टी, तो ये एक ओमेगा ये है और एक ओमेगा उधर से आ गया ओमेगा स्क्वायर e पावर ओमेगा टी, और इसका e पावर माइनस ओमेगा टी डिफरेंशियल होगा और माइनस ओमेगा टी का माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा और ये वाला माइनस ओमेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया, ये प्लस ओमेगा स्क्वायर सी टू एज इट इज आपके पास आ गया। आपने ये चीज लेके आनी है, साबित करनी है डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, देखिए डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर ये यहीं से मिल जाएगा, हमें कोई लंबा चौड़ा काम इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें अगर हम गौर करें तो ओमेगा स्क्वायर दोनों में मौजूद है, कॉमन आ सकता है, बाकी बचा सी वन ई पावर ओमेगा टी और सी टू e पावर माइनस ओमेगा टी, तो ये सारा जो है ये देखें ये तो यही चीज आ गई है c1 e पावर ओमेगा टी c2 e पावर माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा स्क्वायर इनटू r आ गया ये, और इसको उठा के इधर लेफ्ट पे ले जाओ d2 r बाय dt स्क्वायर, इसको उठा के उधर ले गए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर r माइनस ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू 0 आ गया, और यही हमने इसको साबित करना था कि इसके इक्वल आता है। क्वेश्चन नंबर 13, एफ वेक्टर इज एफ इज ए वेक्टर फंक्शन, एफ वेक्टर जो कि टी डिपेंडेंट है, टी पर डिपेंड करता है, एफ वेक्टर इज ए वेक्टर फंक्शन, शो दैट
डिफरेंशियल ऑफ एफ क्रॉस एफ डैश इज इक्वल टू दिस। साबित करना है कि अगर एफ एक वेक्टर फंक्शन है, यहाँ पर एफ जो है ये वेक्टर फंक्शन है, टी पर डिपेंड करता है, तो फिर साबित करें कि एफ का क्रॉस प्रोडक्ट एफ डैश के साथ उसके डिफरेंशियल के फर्स्ट डिफरेंशियल के साथ और उसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसके इक्वल आता है, ये हमने साबित करना है। तो इसको डिफरेंशियल ऑपरेट कर दें अंदर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों की, आपने इसी तरतीब यही रहने देनी है, एफ क्रॉस एफ डैश ही रखना है। आप इसको एफ डैश पहले या एफ बाद में नहीं लिख सकते, और इसको आप सिंपली सॉल्व करें। तो डिफरेंशियल करें, एक को छोड़ें, एक का डिफरेंशियल कर लें, इसका डिफरेंशियल किया, इसका डिफरेंशियल कर लिया और दूसरी को छोड़ दिया, जैसे कह लें कि प्रोडक्ट में हम डिफरेंशियल करते हैं, इसका डिफरेंशियल कर लिया क्रॉस, इसको ऐसे छोड़ा, फिर अब इसको ऐसे छोड़ दें, एक को छोड़ें, दूसरी का डिफरेंशियल एफ क्रॉस डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी एफ डॉट, एफ डॉट और ये वेक्टर। अब देखो ये बना आपका, इसको डिफरेंशियल किया है तो ये एफ डैश बन गया, फर्स्ट डिफरेंशियल आ गया इसका, तो ये बनेगा आपका एफ डैश और क्रॉस, ये वाला भी साथ मौजूद है एफ डैश वेक्टर और प्लस एफ वेक्टर, और इसका पहले भी एक डिफरेंशियल है, अब एक और आ गया, तो दो डिफरेंशियल इसके हो गए, तो ये हो जाएगा आपका एफ डबल डैश। अब ये एक जैसे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो तो जीरो के इक्वल होता है, तो ये जीरो के इक्वल हो गया, तो बाकी आपके पास रहेगा एफ क्रॉस एफ वेक्टर डबल डैश, ये आपने साबित करना था क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद जिसका क्वेश्चन नंबर 14, आर है आपका टी थ्री आई प्लस टू टी थ्री माइनस वन और फाइव टी स्केर इंटू जे, साबित करना है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल आता है, यानी इस आर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है उसके फर्स्ट डिफरेंशियल के साथ। तो फर्स्ट डिफरेंशियल निकालने पहले इसका डी आर बाई डी टी, टी थ्री का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी थ्री टी स्केयर हो गया, इसका आ गया तीन और दो छह टी दो, और इसका डिफरेंशियल ये है माइनस वन और फाइव टी स्केयर, तो माइनस वन और फाइव टी को उठा के ऊपर ले जाए, माइनस वन और फाइव, इसका डिफरेंशियल पावर फार्मूले से करें, माइनस टू टी पावर माइनस थ्री हो जाएगा, टी का डिफरेंशियल टी वन आ जाएगा, ये आपके पास बनेगा जी टू और फाइव टी, इसको थ्री को उठा के नीचे लेके तो ये आ गया, ये इसका डिफरेंशियल है, इसका ये आ गया। अब क्या करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इस आर का और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, दो वैक्टर्स हैं, आई जे के लगाना पड़ेगा, आई जे के लगाया, आर के कम्पोनेंट्स लगाए टी थ्री और जे कम्पोनेंट इसका जे के नीचे लगाया, और के कम्पोनेंट इसमें कोई नहीं है, उसकी जब जीरो आ गया, उसके बाद लगाने हैं डी डी आर बाई डी टी के कंपोनेंट्स, थ्री टी स्केयर, आई कंपोनेंट ये आ गया, जे कंपोनेंट ये बना हुआ ये आ गया। अब इसको खोल लें, मल्टीप्लाई वगैरह कर लें, तो तीसरे में हमें नजर आ रहे हैं, आप जिस तरह दिल करता है इसको खोलें, मैं इसको तीसरे कॉलम से खोलने लगा हूँ, तो जिससे भी खोलते हैं ना, ये के जो है पहले कॉलम में है और तीसरे पहली रो में है और तीसरे कॉलम में है, तो बाहर लिखते हैं माइनस वन पावर पहली रो और तीसरा कॉलम, तो माइनस वन पावर फोर पॉजिटिव वन हो जाएगा, इसलिए इसके साथ प्लस ही आएगा, प्लस के लगाए, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ और फिर माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको मिलेगा, इसको इसके साथ किया तो 65 प्लस टू ओवर फाइव, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टू और फाइव ही बचेगा, फिर माइनस करके इनको मल्टीप्लाई करना है तो माइनस सिक्स टी फाइव, माइनस 65 आएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे टी स्केयर से, टी स्केयर कट जाएगा तो माइनस एक अपने पास से बिल करना, तो प्लस थ्री ओवर फाइव आपके पास बनेगा, ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों काट गए, बाकी आपके पास ये बचा एलसीएम लें इसका, तो तीन जमा दो पांच बटा पांच आ गया, पांच से पांच कट गया, तो ये आपका आ गया के इक्वल, यही आपने लेके आना था कि ये के इक्वल आता है। इसके बाद करते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, आसान से क्वेश्चन है ये उसने एक वेक्टर ए दिया हुआ है 5 टी स्केयर आई प्लस टी जे माइनस टी थ्री के, और बी वेक्टर उसने साइन टी आई माइनस कॉस टी जे दिया हुआ है, इसमें से ये तीन चीजें हमें निकालनी है, हमने ए और बी वेक्टर का, इस वेक्टर का ए का और इस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करना है, जो आंसर आएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करना है, तो ए डॉट बी निकाल लिया, ये हमारा ए है ये हमारा बी है, ए डॉट बी, ए डॉट बी आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये हमने ए वैक्टर लगाया डॉट, ये बी वैक्टर लगाया, डॉट प्रोडक्ट करें, आई कंपोनेंट आई के साथ कर लें, जे जे के साथ कर लें, के के साथ, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, वन के इक्वल होते हैं तो वो नहीं आएंगे, फाइव टी स्क्वायर इंटू साइन टी ये आ गया, आई कंपोनेंट आई के साथ कर लिया सिंपल काम, फिर जे कंपोनेंट को जे के साथ, माइनस टी कॉस टी, जे डॉट जे आता है साथ वो वन होता है, माइनस टी थ्री इंटू जीरो, वो वैसे जीरो आ गया, के कंपोनेंट जीरो है, ये हमने ए डॉट बी निकाल लिया, डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू टी आम तरीके से,
तो फाइव कांस्टेंट बाय रहने दिया, फर्स्ट टर्म को छोड़ा, टी स्क्वायर एज इट इज, साइन का डिफरेंशियल कॉस टी, फिर इसको साइन टी को छोड़ा और टी स्क्वायर का डिफरेंशियल दो टी आ गया। इसी तरह से ये भी माइनस बाय रहा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, कॉस टी का कॉस टी एज इट इज, और डिफरेंशियल ऑफ टी वन है, वो यहाँ पर लगाने की जरूरत कोई नहीं। और फिर इसको टी को ऐसे ही छोड़ा, एक को छोड़ा, एक का डिफरेंशियल कर लिया सिंपल बात। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, फाइव टी स्क्वायर कॉस टी प्लस टेन टी साइन टी, माइनस को अंदर ले जाए, माइनस कॉस टी और माइनस टी साइन टी, ये आ गया आपके पास। अब देखें कॉस वाली आपके पास एक ये वैल्यू है और एक ये है, कॉस टी कम ले लें दोनों में से, कॉस टी कॉमन आ सकता है तो अंदर आपके पास बच गया इधर फाइव टी स्क्वायर, इधर से बच गया माइनस वन, और बाकी ये आपके पास टेन टी साइन टी, और ये आपके पास है जी प्लस एक माइनस, यहाँ से पर भी आता था वो हमने मिस कर दिया, वो कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन वो लगाना था यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा जी इसका कॉस टी एज इट इज आ गया और टी एज इट इज आ गया, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, यहाँ पर एक माइनस आता था, यहाँ पर एक माइनस लगाएंगे तो ये आपका बन जाएगा जी माइनस माइनस प्लस। अब टेन टी साइन टी ये है और वन टी साइन टी ये है, तो टोटल आपके पास हो गया इलेवन टी साइन टी, तो आपने इसका डिफरेंशियल डॉट प्रोडक्ट किया करके उसका डिफरेंशियल कर लिया। सेकंड में अब ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ही करना है और फिर उसका डिफरेंशियल करना है, तो वो भी अभी करते हैं। फिर हम अभी सेकंड पार्ट करेंगे, ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ करना है, जो आंसर आएगा उसका डिफरेंशियल करना है, तो ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ कर लिया, ए ये है फाइव टी स्क्वायर एंड सो ऑन, ये लगाया ए डॉट ए, तो आई कंपोनेंट को आई के साथ, आई डॉट आई वन और पांच टी स्क्वायर और पांच टी स्क्वायर पच्चीस टी चार, फिर इस टी को जे कंपोनेंट जे के साथ टी स्क्वायर और के कंपोनेंट के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी थ्री और टी थ्री टी सिक्स के डॉट के वन के इक्वल, तो डिफरेंशियल कर लें इसका, ये हमने निकाल लिया, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, फोर ट्वेंटी फाइव एज इट इज आया, टी फोर का डिफरेंशियल फोर टी थ्री होता है और टी स्क्वायर का टू टी पावर फॉर्मूले से, और इसका आ जाएगा सिक्स टी फाइव, तो ये आपको मिलेगा हंड्रेड पच्चीस और चार सौ टी थ्री और प्लस टू टी और प्लस सिक्स टी फाइव प्लस सिक्स टी फाइव, तरतीब लगा के लिखना है, तो सबसे बड़ी पावर पहले लिख लें, उसके बाद ये छोटी पावर लिख लें और फिर ये टू टी लिख लें, इसके बाद हम करेंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट और फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा उसका हम निकालेंगे डिफरेंशियल। अब इसका करेंगे जी हम क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट, अब हमने ए क्रॉस बी मालूम करना है और उसको डिफरेंशियल करना है, जिसको आंसर आएगा उसका डिफरेंशियल करना है, तो ए वेक्टर हमारा है ये, बी वेक्टर है हमारा ये, ए क्रॉस बी मालूम करना है, तो दो वेक्टर हैं ये, आई जे के लगाया और इनके कंपोनेंट्स लगाए, ए के कंपोनेंट्स फाइव टी स्क्वायर टी माइनस टी थ्री, फाइव टी स्क्वायर टी माइनस टी थ्री, आई कंपोनेंट आई के नीचे, जे कंपोनेंट जे के नीचे और के कंपोनेंट के नीचे लगाया, इसी तरह से फिर बी के लगाने हैं, साइन टी ये आ गया, माइनस कॉस टी ये आ गया और के कोई नहीं है इसमें, उसका जीरो आ गया, इसको खोल लें आम तरीके से, तो प्लस आई माइनस जे प्लस के करेंगे, प्लस आई माइनस जे प्लस के करेंगे, आई के रेस्पेक्ट खोलेंगे जब इसको, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जीरो, फिर माइनस करके इनको करना है, तो माइनस माइनस प्लस, एक अपने पास माइनस करना है तो माइनस टी थ्री कॉस टी ये वाला आ गया आपके पास, उसके बाद जे कंपोनेंट को खोलेंगे, जे कंपोनेंट वाले दो कॉलम छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये जीरो आ गया, फिर माइनस एक अपने पास लगाना है कि माइनस यहाँ पर है तो प्लस हो जाएंगे, टी थ्री साइन टी ये आ गया, आम तरीके से जैसे खोलते हैं उस तरह से हम इसको खोले, फिर अब के की बारी आ गई तो इसको छोड़ देंगे रोर कॉलम को, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस फाइव टी स्क्वायर कॉस टी और माइनस टी साइन टी वो ये आ गया आपके पास। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया आपके पास माइनस आई टी थ्री कॉस टी माइनस जे टी थ्री साइन टी प्लस के माइनस था अंदर, तो चलो माइनस कॉमन ले लिया दोनों के साथ, माइनस कॉमन ले लिया, नहीं भी लेंगे तो आपकी मर्जी है, फाइव टी स्क्वायर कॉस टी और माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगी टी साइन टी, ये हमने निकाल लिया ए क्रॉस बी। अब हमने ए क्रॉस बी निकाला है तो उसको डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसको डिफरेंशियल प्रोडक्ट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, माइनस आई एज इट इज आ गया, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन टी, इसी तरह से प्लस कॉस टी एज इट इज और टी थ्री का डिफरेंशियल थ्री टी स्क्वायर माइनस जे एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड,
प्लस ये सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ये आ गया, और यहाँ से आपके पास ये माइनस के फाइव टी स्क्वायर और टी स्क्वायर एज इट इज कॉस का माइनस साइन आ गया, प्लस इसका कॉस टी ये आ गया और टेन टी ये आ गया, प्लस इसी तरह से इसको ये सारा किया। ये आपने इसको खोला खोल के सारा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये आपके पास आ गया डी ओवर डी टी इंटू ए क्रॉस बी आई इंटू टी थ्री साइन टी माइनस थ्री टी स्क्वायर कॉस टी माइनस जे इंटू टी थ्री कॉस टी प्लस थ्री टी स्क्वायर साइन टी, और यहां पर माइनस चले कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये माइनस कॉमन ले लिया, ये बन गया फाइव टी स्क्वायर साइन टी, और ये वाला दस टी कॉस टी और ये मिलके तो ग्यारह टी कॉस टी बन गए, ग्यारह टी कॉस टी, और माइनस कॉमन लिया तो इसके साथ एक माइनस में हमें यहाँ पर माइनस लगाना होगा, फाइव टी स्क्वायर साइन टी और प्लस टेन माइनस इलेवन बन जाएगा फिर, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया और ये प्लस साइन टी माइनस साइन टी, तो ये आपके पास आ गया इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, शो फॉर ए वेक्टर एफ ऑफ टी डिफरेंशियल ऑफ एफ डॉट एफ डैश क्रॉस एफ डबल डैश इज इक्वल टू दिस, ये साबित करना है कि इसको सॉल्व करें तो ये आता है, लेफ्ट साइड्स को ले लें एफ वेक्टर डॉट एफ डैश क्रॉस एफ डबल डैश एफ डैश एफ क्रॉस एफ डबल डैश, तो डिफरेंशियल ऑपरेट कर दें इसको, तो इसको फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लें, इसको सारे को सेकंड कंसिडर कर लें, एक का डिफरेंशियल ले लें एक को छोड़ दें, एक का डिफरेंशियल ले लें एक को छोड़ दें, तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारा डिफरेंशियल ऑफ एफ, इसका डिफरेंशियल ले लिया, इसका डिफरेंशियल ले लिया और बाकी सारी जो है वो हमने इसी तरह से डॉट और ये सारी को इसी तरह से छोड़ा, एफ क्रॉस एफ डबल डैश, एक को छोड़ा एक का डिफरेंशियल ले लिया प्लस, अब इसको छोड़ दे, अब इसको छोड़ा और दूसरे वाले का इन का डिफरेंशियल ले लें, उसको हमने एक रकम कंसिडर किया है डी ओवर डी टी इंटू एफ क्रॉस एफ डबल डैश, तो ये चीज बन जाएगी फिर, अब ये बना हमारे पास इसका डिफरेंशियल आ गया है तो इसको हम लिखेंगे एफ डैश, फर्स्ट डिफरेंशियल आ गया इसका, इसको एफ डैश लिखेंगे, डॉट अंदर ये सारा मौजूद है एफ डैश एफ डैश क्रॉस एफ डबल डैश प्लस ये वाला एफ, और इसको फिर कर लें साल, एक को छोड़ें और एक का डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ऑफ दरम्यान में क्रॉस है, डिफरेंशियल ऑफ एफ डैश इसका डिफरेंशियल ले लिया और उसको छोड़ा, एक छोड़ दें और एक का डिफरेंशियल ले लिया, ये बनेगा आपके पास, अब दूसरी वाली को छोड़ दें, अब इसको एफ को छोड़ दिया तो ये बनेगा हमारे पास एफ, ये वाला एफ डॉट जो है ये बाय तो ऐसे ही आ रहा है ना, ये वाला एफ डॉट, तो ये आपके पास आ जाएगा, तो इसका ये बन गया एफ इंटू डिफरेंट, ठीक हो गया, तो ये आपके पास आएगा एफ डॉट क्रॉस डिफरेंशियल ऑफ दूसरे का डिफरेंशियल ले लिया, यहाँ पे हमने इसका डिफरेंशियल लिया था इसका, अब यहाँ पे इसका एक को छोड़ा एक को डिफरेंशियल ले लिया, ये तो बाहर आ रहा था ना, ये तो बाहर आ गया ना दोनों के एफ डॉट दोनों के बाहर आ गया, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एक को छोड़ा एक का डिफरेंशियल लिया, इसका डिफरेंशियल ले लिया इसको छोड़ दिया, फिर हमने इसको छोड़ा ये और इसका डिफरेंशियल ले लिया, वो एफ डॉट जो दोनों के साथ बाहर एज इट इज मौजूद है, अब देखें ये वाला इसमें कोई भी फैक्टर स्केलरिटी पर प्रोडक्ट में रिपीट होता है तो वो जीरो की इक्वल हो जाता है, एफ डैश डॉट एफ डैश ये एफ डैश दो दफा आ गया इसमें, ये सारा आपका जीरो की इक्वल हो जाएगा, बाकी आपके पास आ गया एफ डॉट एफ डबल डैश, इसका सिंगल डैश है अब डबल डैश हो जाएगा क्योंकि आप एक दफा इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, क्रॉस एफ डबल डैश ये इसी तरह से आया प्लस ये वाला एफ डॉट एफ डैश ये वाला और उसका ट्रिपल डिफरेंशियल हो जाएगा फिर, अब ये आपके पास ये आ गया, ये सिंगल डिफरेंशियल है ये ट्रिपल डिफरेंशियल, अब ये बना आपके पास जीरो प्लस, अब इसमें भी देखें ये आपके पास आ जाएगा जी, इसमें भी आपके पास दो वेक्टर्स आ गए हैं सेम,
एफ और एफ यहाँ पर कहीं पर भी मिसिंग कर दिया हमने, ठीक हो गया, ये सारा ठीक है। इसका हमने ये लगाया था, इसका सेकंड डिफरेंशियल बनेगा, ये आ गया, उसका ट्रिपल डिफरेंशियल बनेगा, वो आ गया। तो इसमें भी देखें, ये दो दफा आ गए हैं, एक जैसे वेक्टर दो दफा आ गए हैं, तो वो जीरो के इक्वल हो गया और बाकी आपको मिल गया एफ डॉट एफ डैश क्रॉस एफ ट्रिपल डैश। तो देखिए यही आपने लेके आना था, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो सिंपल है, आसान है, आप इसको कर सकते हैं। यही हमने साबित करना था कि ये इसके इक्वल आता है।